गाइस गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज हम न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो पकड़ा सुबह सुबह मैं कांड हो गया इधर नहीं गया। और अभी उठते चलते मुंह वगैरह धोते ब्रश ब्रश करते और पूरा दिन का रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी सुबह के बज रहे 8 बज रहे। युवराज भाई उठ जाओ, चलो उठ जाओ। सुबह सुबह मैं इसका एक कार्ड हो गया तो जो मैं डालूंगा व्लॉग में, कट करके डालूंगा। तो अभी चलते ब्रश लेने, ब्रश ब्रश लेते और फिर चलते दातुन करने। तो गाइस ब्रश ले लिया हाथ में, चलते टूथपेस्ट लेने। तेरिक भाई उधर से आ रहे, देखो दातुन करके ब्रश करके आ रहे। दातुन ने ब्रश मुंह पे स्माइल। ये युवराज भाई सामने अपना पप्पू खेल रहा है, ये देखो पप्पू खेल ले। चलो चलते हैं कोलगेट लेने। तो गाइस अभी ब्रश ले लिया हाथ में, तो चलते हैं ब्रश करने और मिलते हैं सीधा ब्रश कर। तो गाइस अभी हमने ब्रश ब्रश कर लिया है और अभी अंदर आके देखा तो ये तीन लोग इधर बैठे हैं। देखो युवराज, किरीट और घनश्याम, पता नहीं सुबह सुबह में ये रील देख रहे थे। सुबह सुबह में ब्रश किया, ये युवराज ने किया नहीं किया क्या पता। सब कुछ जल्दी फटाफट दे रहा। ब्रश किया हाजरे में जा रहे थे संडास पे वॉशरूम, तब मैंने किए, लेकिन तुम कल से बाहर ही नहीं निकले। ये देख, ये क्या उल्टा पुल्टा फेंक रहा है। अब तो कल पहले ब्रश करने नहीं, पहले तो संडास में जाओ। उसकी वीडियो कट कर दिए गाइस इसने। नहीं गया, ये बात तो सही है, मैं गया था। टॉयलेट तो जाना पड़ता है, वो तो सबको जाना पड़ता है। तुम नहीं जाते क्या? ना। ये देखो ये इंसान इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, झूठ का तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये देखो हमको नहीं बनाना है वीडियो में। ये देखो गुस्सा हो रहे। तो अभी मैं दिखाता हूँ बार का, अभी मैं दिखाता हूँ बार का व्यू कैसा है सुबह सुबह में। ये देखो ये वह अपना अमरूद का पेड़, इधर अमरूद भी दिखते हैं गाइस, इतने दिन से अमरूद नहीं दिखा है। अरे यार अभी छोटे, ये देखो ये भी छोटा है, दूसरा भी था, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ये देखो गाइस ये थोड़ा बड़ा हो गया और इधर का एक तो गायब ही हो गया गाइस, इधर एक था वो गायब हो गया है। और ये अपना सुबह का व्यू, आज सुबह अभी धूप थोड़ी थोड़ी खिली है, ज़्यादा धूप भी नहीं है। और कल गाइस कल गए थे गाड़ी सर्विस कराने, गाड़ी सर्विस कराने के बाद आके इतना थक गए गाइस, इतना थक गए। पूरा दोपहर में बस एक ही बार खाए थे, वो हमने भजिए खाए थे बस एक ही बार, उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं खाया। सुबह नहीं शाम को आके फिर खाना खाया, शाम को आके बताओ, शाम को आके खाना खाया। कल इतना वो सर्विस कराने में इतना टाइम लगाया उन लोगों ने, क्या ही बताऊँ। तो अभी चलो चलते खाने खाना खाने के लिए और फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस अभी खाना बना खा लिया, तो अभी मैं जा रहा हूँ छत पे। और अभी किरीट, युवराज दोनों और ध्रुविल, ये तीन लोग गए ट्रैक्टर के पास, ट्रैक्टर को सर्विस कराने के लिए। तो अभी मैं अकेला हूँ और वो घनश्याम भी गए कहीं पे बाहर, तो मैं अकेला हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे छत का व्यू, छत से हमारा कुछ व्यू ऐसा दिखता है, देखो गाइस। और अभी मैं आपको छत का भी दिखाता हूँ, छत हमारा इधर से कैसे दिखता है, ये देखो ऊपर की साइड ऐसा है, फिर ऐसा, फिर नीचे से सामने तरफ कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो।
इधर सब देखो लकड़ी अब सब इकट्ठा किया हुआ है, थोड़ा भंगार भंगार पड़ा है छत पे ये सब गाइस। इधर गांव के लोगों में सब ऐसा ही होता है गाइस, हमारे शहर की तरह नहीं होता है, सब ऐसा होता है। देखो इधर ये पलंग है, इसको कलर किया था तो उसका तो वीडियो मैंने बनाया नहीं, माफ़ कर देना। तो अभी मैं पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, दिखो गाइस पीछे का वो व्यू कुछ ऐसा है, ये देखो। तो अभी तो मैं अकेला हूँ, अकेले अकेले थोड़ा कंटाल गया हूँ। तो अभी मिलते हैं किरीट और ध्रुवीर दोनों आने के बाद। तो गाइस हम आते हैं खाना खाने, मसाला खिचड़ी। ये दोनों तो इधर बैठ गए, हमारा भी आ गया, अभी धूप भी आ गया। देखो भाई अगर सुबह सुबह में रील मत देखा कर भाई। हेलो भाई, हेलो भाई, तो अभी मिलते हैं खाना। तो अभी फाइनली गाइस हमने नहा लिया है, नहा बा के अभी बाहर निकले और अभी हम ये देखो भाई सभी नहा लिया है, अभी सब अपने अपने काम में और कुछ चले गए अपने मामा के उधर। हाँ आओ। तो अभी हमारे घर में से 20 लोगों का कुटुंब है, उसमें से 14 लोग बचे, 6 लोग चले गए। ये ध्रुवील भाई नाचते हुए, मजा आ रहा है यार। आज इसकी मम्मी गई है इसलिए खुश हो रहा है। देखो भाई वो युवराज इधर में, कुछ लोग मेरी मम्मी लोग काम कर रहे हैं अंदर, खाना बना रहे हैं और अभी मैं इधर हूँ। अभी रुको, अभी क्या मम्मी बोलती है जाके सुनते हैं। देखो गाइस अभी पप्पू भी इधर खड़ा है, युवराज भाई देखो किधर जाना है, अतर। तो अभी गाइस हमको जाना पड़ेगा उंदेल, कुछ सामान लाना है तो अभी हमको उंदेल जाना पड़ेगा। उधर का भी ब्लॉक साइड में इस बार शूट कर पाऊंगा, कल गया था सर्विस करने के लिए, वो तो मैंने आपको बताया व्लॉग में कि उसको आया तो मैं बना नहीं पाया और अभी मज़ा नहीं आ रहा गाइस, कोई भी नहीं है, सारी बहनें, 5 बहनें हैं हमारी, 5 बहनें चली गई। तो अभी हम 5 भाई बचे, बस अभी 5 भाई, एक भाई अभी देखो टॉयलेट में से निकला, ये ले। युवराज भाई नहीं आप भेजिए, हाँ बोल सु गाड़ी ले चा। अबे साले लग रही है, साले मार के भाग रहा है, कुछ सा मारूंगा ना। तभी गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे का थोड़ा बहुत, और मैंने आपको बोला था होम ट्यूर दूंगा वो जो मैं उसका मैं कल शायद ब्लॉग डाल दूंगा। तो पीछे का हमारी देखे भैंस, भैंसे लोग, भैंस क्या बोलते हैं इसको, भैंस बोलते क्या, बफेलो, काउ, काउ थोड़ी ना बोलते, काउ बोलते होंगे शायद हिंदी में बोलते हैं, बफेलो। हमको तो गाइस इतना हिंदी आता नहीं है ना, गुजराती इतना नहीं, क्या बोल रहा हूँ गाइस मेरे को हमको इतना इंग्लिश आता नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, हम हिंदी भी कम बोलते हैं, लेकिन आपके लिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ गाइस। इसके लिए लाइक ठोको, सब्सक्राइब भी कर दो, नहीं किया है तो ये देखो मसाला आटा खा रहा है, मसाला आटा क्या बोलते हैं भाई इसको, तो मुझे को भी नहीं पता ये देखो हिंदी हमारे हमारी भाषा में गुजराती में इसको मसाला लोट बोलते हैं, बाफेलो लोट, बखाया हुआ लोट, लोट लोट यानी आटा, आटा 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 बोलते हैं। अभी तो कोई नहीं, देखो गाइस पूरा ठंडा हो गया वातावरण, तो कोई है ही नहीं इसलिए कोई बोल भी ये रहो युवराज भाई पानी पीते हुए, बोल कि कोई बोल नहीं, वो बच्चे है बीजो है, बीजो है आटा लाए, थोड़ा तो चक्कर हम भी चखते हैं गाइस कैसा लगता है, ये देखो
ऐसा दिखता है, टेस्टी है। लेकिन ये देखो अभी R15 क्या बोलते हैं इसको, निंजा S2R। निंजा देखो अभी आ रहा है, देखो निंजा S2R। निंजा स्टोर हमारे गांव में आ गया। तो अभी गाइस हम मिलेंगे निंजा ज़ेड एक्स 10R। हां निंजा ज़ेड एक्स 10R ये देखो भाई नकली। तो गाइस अभी हम इधर से जाएंगे उंदेल, तो अब उसका उधर से स्टार्ट करेंगे आपको उधर उंदेल, हमारा उंदेल इधर नजदीक में है शायद। कितने किलोमीटर होगा इधर से कम 10 किलोमीटर। अबे साले नुबड़े, इतना तो नहीं, उतना दूर नहीं है गाइस, कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर होगा। हाँ 5-6 किलोमीटर दूर है इधर से, 5-6। तो उधर जाएंगे, उधर कुछ काम है, क्या काम है वो उधर जाके आपको पता चलेगा। तो अभी मिलते हैं जाने के बाद। तो गाइस अभी खाना खाया, बस खाना खा के खड़ा हुआ तभी मेरे को पता चला कि आज हमारे खेत में वो जो फसल है उसमें आज पानी आने वाला है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ हमारे फसल में पानी कहाँ से आता है और कैसे सारे जो फसल है कैसे सबको पानी मिलता है। तो अभी मैं थोड़ी देर को मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे उधर फसलों में पानी कैसे आता है। पूरी फसलों में जितना भी देख रहे हो आप, ये जितना भी इलाका है पूरे में सब में गाइस सब में पानी आएगा। देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये नाली जैसा दिख रहा है आपको, ये नाली है ये देखो, ये सीधा नाली, ये सब में ये जो नाली है ना वो सब में पानी आएगा। देखो सामने पानी आ रहा है, देखो भाई सामने, रुको उधर जाके मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ कैसे पानी हमारे खेत में आता है। और देखो उधर मेरे पापा, फिर छोटा भाई, फिर वो नींबू वाला यानी घनश्याम, और उधर के शायद ध्रुविल है वो उधर, ये जो बड़ी बड़ी बाजरी है ना उसके पीछे ध्रुविल है। तो अभी हम भी उधर चलते हैं। तो देखो गाइस इधर ये जो नल है उधर से पानी निकलता है, बड़ा वाला नल, और उधर से निकलता है, और ऐसे देखो इधर से देखो ये पानी कैसे आगे बढ़ रहा है। देखो गाइस ऐसे ऐसे पूरे खेत में जाएगा, पूरे खेत में जितना इधर से दिख रहा है आपको जितना उधर से कोने तक, वो हमारा नारियल का पेड़ है उधर तक जाएगा। और उधर देखो बीच में ध्रुविल भाई है, देखो ये जो बैठे हैं वो ध्रुविल भाई, ध्रुविल ये देखो गाइस ये देखो। अभी आपने देखा ध्रुविल भाई भी है शामिल, पानी को पहुंचा रहे पूरे खेत में। और ये देखो नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, ये देखो इधर से पानी आता है, ये देखो कितना साफ है गाइस पानी, देखो गाइस पानी देखो कितना साफ है, ये देखो गाइस इसमें नहाने का मजा ही कुछ और है। ये देखो इधर से आता है और इधर से पूरे खेत में जाता है, सामने देखो ध्रुविल, किरीट, युवराज, फिर मेरे नाना, मेरे पापा सब उधर है। चलो हम भी उधर चलते हैं अभी गाइस। ये देखो अपना पावड़ा, इसको बोलते हैं पावड़ा, हमारी भाषा में पावड़ा, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं बता देना कमेंट में। अभी देखो ये देखो इसको बगला बोलते हैं, बगला हमारे गुजराती भाषा में इसको बगला बोलते हैं। ये देखो ये ले किरीट भाई, देखो अपने नाना से कुछ बात कर रहे हैं। तो अभी देखो भाई उधर से पानी इधर तक पहुंच गए, देखो ये रहा पानी, ये देखो इधर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, देखो ये देखो भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये देखो इधर देखो धीरे धीरे आगे आ रहा है, देखो
ये अभी पूरे खेत में जाएगा, पूरे खेत में। अभी हम खड़े हैं हमारे आम के पेड़ के नीचे, अपना पानी का बोतल क्या है बाहर। तो गाइस अभी हमको जाना पड़ रहा है बाहर। अरे जो मैंने आपको बोला था वो हम जाएंगे उधर, तो उधर तो जाना कैंसिल हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं अपने गांव, इधर हम सब्जी लेने जाते हैं, उधर जा रहे हैं। और अरे यार ये ट्रैक्टर भी ना, और उधर कुछ आज हमारे घर पे कुछ पूजा वगैरह है, हमारी माता जी को कुछ भोग भोग चढ़ेगा, मतलब वो प्रसाद बरसात चढ़ेगा, तो उसका कुछ सामग्री लेने जाना है। तो अभी चलते हैं सामग्री। तो अभी गाइस अपने ये अपना मुंह पे मास्क निकाल लिया है, और अभी चलते हैं अपने उधर सामान लेने के लिए। सो आ गया मास। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं हमारे गांव में, जैसा मैंने बोला था हमको वो माता जी के लिए थोड़ा प्रसाद वो करना है। तो अभी हम जा रहे हैं उसका सामग्री लेने। तो अभी उधर पहुंचने के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी हम देखो रास्ते पे जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे प्रॉपर गांव में, वो जाना है उधर एक्टिवा के पास, इधर आगे इधर ही। नारियल है ना, सिर्फ टाइम भी वाले भाई। तो गाइस अभी हमने इधर से सामान ले लिया, अभी निकल रहे घर की ओर। अभी घर पे पहुंचने के बाद आपसे फिर से मिलेंगे। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हमारे घर के अपने। तो गाइस अभी हम सामान लेके आ गए। अभी युवराज भाई पता नहीं है पढ़ाई लिखाई कुछ कर रहे हैं, देखो पूरा वेकेशन ट्रैक्टर चलाया और लास्ट में पढ़ाई लिखाई कर। क्या दिन है आपके गाय भाई, क्या दिन है ये लो भाई, ऊपर पान खा भी वो। अरे बाप रे बाप, देखो गाइस ये देखो गाइस, पानी इधर तक आ गया, ये देखो। ये अपनी भैंसी यहाँ फिर से, इधर देख देख, इधर देख देख, देखती क्यों नहीं है भाई, इधर किरीट बैठ। ये देखो गाइस ये कुछ नया ढूंढ के ला गई पप्पू। हाँ बबूड़ा देख देख, इधर देख, ये देखो अभी ये गाइस मेथी है, मेथी मेथी। ये देखो उसको खाने के पड़ी है, देखो ये देखो भाई। तो गाइस अभी मैं भी जा रहा हूँ सामने, वो दोनों मेरे को दिखे बेर के पास है, तो मैं भी उधर जा रहा हूँ बेर के पास। पता नहीं दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं। अभी मैंने बोला था ना आपको कि किधर से पानी जाता है, रुको अभी आपको मैं दिखाता हूँ पानी किधर से जाता है। ये देखो किरीट भाई, अरे यार ये देखो जाने का रास्ता भी नहीं है। ये देखो गाइस ये क्या है कुछ, ये देखो गाइस ये मेथी नहीं है, दूसरा कुछ है, भैंस के लिए चारा, भैंस के लिए चारा। ये देखो गाइस मैंने बोला था ना पानी इधर से आएगा, ये देखो, ये देखो अपना, ये देखो गांव में ऐसा होता है, देखो गाइस ये अल्लाह किरीट भाई दर ऊपर बेर बेर हुए छोटे छोटे दिख रहे। ये भाई साहब
ये देखो गाइस, ये देखो पानी कैसा, ये देखो खाओगे गाइस, चॉकलेट ही है ये गाइस, चॉकलेट नहीं है ये, अपने देश की मिट्टी है, अपनी धरती माँ की मिट्टी है। देखो गाइस, ये देखो कितनी मस्त है ना, ये देखो गाइस, इधर से पानी का वो जो फट गया है जो सेफ्टी के लिए था पानी, इसका पानी इसमें ना आए, ये देखो इसका पानी इसमें ना आए, इसलिए वो उधर पारी बनाया था। अभी ये देखो गाइस, इधर से कितना स्पीड में पानी आता है, ये देखो अभी इधर ऐसा सबका अलग अलग को हिस्सा कर दिया है, उधर से सब अलग अलग हिस्सा है, देखो अब एक हिस्सा इधर से शुरू होता है, ये देखो इधर से हिस्सा शुरू होता है, छेक तो उधर वो सामने बैठे है ना उधर तक का। अभी ये देखो किरीट भाई, इधर से पारी फट गया है तो उसको जोड़ रही है, ये देखो घनश्याम भाई ने उधर का रास्ता ब्लॉक कर दिया, अभी जितना पानी उधर से आएगा सीधा जाएगा वहाँ से जाएगा, इंटर करेगा और फिर जाएगा सब जगह। ये देखो बकरी चिल्ला रही है गाइस, बकरी पीछे चिल्ला रही है, और इधर ये देखो। चलो अभी गाइस उधर जाते हैं, मुंह बूद होते हैं, मजा आएगा। ये देखो गाइस इतना प्योर पानी, ये देखो इधर से पानी आ रहा है पूरे खेत में, कैसा हो जाए ये देखो, इधर से जाता है उधर, हम 1 2 3 4 चार भाग में पानी पहुंच गया है, अभी पांचवे में जा रहा है, और इधर से अपना घर ये देखो, ये रहा, ये लो पक्षी उड़ गए, वो देखो अपना पप्पू आ रहा है, पप्पू नहीं पप्पू नहीं है, दूसरा कोई है, दूसरा है। मेरे में देखने में मिस्टेक हो रही है गाइस। तो गाइस अभी एक चीज मिली है मुझको, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, खट्टे वाले इमली, अब इसको मिर्च के साथ खाना पड़ेगा, तो अभी चलते हैं मिर्च और नमक लेने, तो हम आते हैं मिर्च और नमक लेके। तो गाइस अपना मिर्च नमक साथ में इमली, गाइस ऐसा दबा के खाएंगे आज, तो साथ में युवराज ध्रुवील, ये देखो साथ में इमली, ये देखो गाइस इतनी सारी इमली, ये देखो दुख तो नीचे गिर गई यार, अभी इसको तो दबा के खाएंगे गाइस, आज तो मन भर के खा लेंगे, बाद में मिलेगी नहीं मिलेगी क्या पता, आज तो मिलेगी ही नहीं है, सूरत में मिलेगी ही नहीं, ये देखो सूरत में मिलती है लेकिन कम जगह पे मिलती है, अभी गाइस यहां तो मिलती ही नहीं, ये इमली देखो, ये देखो गाइस इसको लोग खाने के लिए तड़पते हैं, ये देखो कुछ लोग मतलब कुछ लोग तड़पते हैं, बाकी जो गांव में रहते हैं उनको तो मिल जाती है, लेकिन जो शहर में लेते हैं कभी कभी उसको बहुत ढूंढने के बाद मिलती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद, लेकिन आज तो हम डब्बा के खाएंगे। ये देखो ध्रुवील भाई ने स्टार्ट भी कर दिया, नमक लो भाई नमक लो, मिर्च के साथ खाओ, जल्दी करो भाई जल्दी करो, ये देखो दिखाओ अभी थोड़ा ज्यादा, देख सकते हो गाइस, बस खा के दिखाओ क्या रिएक्शन था, भाई ने तली, अभी युवराज भाई लेने जा रहे हैं, देखो युवराज भाई शर्मा गए गाइस, अपनी देख लो, ये देखो गाइस अभी हम भी लेते हैं, ये देखो गाइस नमक देख लो गाइस, ये देखो सब टूट पड़े, युवराज भी टूट गया है, देखो गाइस ये देखो, ये देखो गाइस इसका रिएक्शन देखो, देखो
ये देखो भाई जन्नत में पहुंच गया भाई, ये देखो देख ये देखो इससे देखो रिएक्शन देखो सबका मुंह गाइस, मेरे को भी खाने का मन हो गया, अभी तो मैं खा के देता हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो एक नंबर गाइस, एक नंबर देखो गाइस इसका तो देख लो गाइस, जन्नत में पहुंच गया मैं। एक नंबर गाइस, एक नंबर। चलो गाइस अभी इस ब्लॉग को करते हैं इधर ही एंड, लास्ट में ध्रुविल भाई को भी देख लो। हाँ देखो पूरा दबा के, ये देखो पप्पू भी आ गया, देखो हाँ मेरे को खाना है, देखो पप्पू मेरे को भी खिलाओ, मेरे को खिलाओ। नहीं पप्पू तुम नहीं खा सकते, मेरे को भी खानी है, मेरे को भी खानी पप्पू। नहीं नहीं ऐसे जीत पे मत आओ भाई, मेरे को तो खानी है। नहीं नहीं ये देखो साथ में किरीट भाई, देखो पप्पू ये देखो पप्पू भी खा रहा है। नहीं मेरे को खानी है, मत खा पप्पू मत खा, मछला है पप्पू। तो गाइस अभी इस ब्लॉग को करते हैं इधर ही एंड और मिलते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय टाटा।